इस बीच हमले के वक्त पोंटी के साथ मौजूद उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी ने पुलिस में बयान दर्ज कराया है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सुखदेव सिंह नामधारी ने अपने बयान में कहा है, मैं शनिवार सुबह 9:30 बजे पोंटी के 21 नंबर फार्म हाउस गया। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद दोपहर करीब 12 बजे मैं पोंटी के साथ उनकी लैंड क्रूजर में बैठकर उनके फार्म हाउस नंबर 42 गया। फार्म हाउस के गेट पर ताला लगा हुआ था। हमारे पिछले सिक्योरिटी मैनेजर नरेंद्र था जो मेन गेट पर गया और वहाँ से चाबी लेकर फार्म हाउस का दरवाजा खोलने लगा। इस बीच हरदीप अपने गनमैन और निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ वहाँ आया। कार से बाहर निकलते हुए उसने नरेंद्र पर गोली चलाई। नरेंद्र फार्म हाउस के अंदर भागा। हरदीप गेट से वापस आया तभी पोंटी कार से बाहर आ रहा था। तभी हरदीप ने पोंटी पर चिल्लाते हुए गोली चलानी शुरू कर दी। मैं कार से बाहर आया और उसने मुझ पर 2 गोलियां चलाई। खुद को बचाने के लिए मैं कार के पीछे बैठ गया। मेरे सरकारी सुरक्षाकर्मी ने मुझे बचाने के लिए उस पर गोली चलाई। तब उसके गनर और सुरक्षाकर्मी गोली चला रहे थे। पोंटी पर गोली चलाने के बाद हरदीप फार्म हाउस के अंदर गया। इसके बाद मैंने देखा कि पोंटी अपनी कार की पिछली सीट पर जख्मी पड़े हुए थे। गोली के जख्म की वजह से उनके शरीर से काफी खून बह रहा था। मैं उनके ड्राइवर की मदद से उन्हें वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।